भिकनगांव नगर में आज तहसील पटवारी संघ के अनुभागीय अधिकारी को ज्ञापन में पटवारी संघ ने बताया कि वर्तमान में पदस्थ तहसीलदार निधि वर्मा द्वारा जब से तहसील भिकनगांव में पद ग्रहण किया है तब से विवाद बढ़ते जा रहा है। उसी समय में समस्त पटवारी भिकनगांव के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार करने के साथ ही अशोभनीय भाषा जैसे गंदा खाना खाते हो क्या, पटवारी कुत्ते आ गए, चुड़िया पहनकर, हरामखोर जैसे शब्दों का प्रयोग सभी पटवारियों के लिए किया जाता है। इससे समस्त पटवारियों में भय तनाव व्याप्त होकर अपना जीवन खतरे में दिखाई दे रहा है। वहीं महिला पटवारी को रात के वक्त अकारण तहसील में रोका जाता है। स्वास्थ्य खराब होने पर कहा जाता है कि मेरा स्वास्थ्य तुम पटवारियों की वजह से खराब हुआ है, ऐसा आरोप समस्त पटवारियों पर लगाया जाता है। वहीं मीडिया कर्मियों से बात करने पर तहसीलदार डॉक्टर निधि वर्मा ने कहा कि मेरी ओर से कोई अशब्द का प्रयोग नहीं किया गया। वहीं दूसरी ओर पटवारी संघ का कहना है कि आज दिनांक से पटवारी संघ 3 दिवस के अवकाश पर रहेगा और 3 दिवस के भीतर कार्यवाही नहीं होने पर पटवारी संघ हड़ताल के लिए बाध्य होगा। भिकनगांव से पीयूष अग्रवाल की रिपोर्ट। इसमें वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में शासन की राजस्व विभाग को लेकर बहुत कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं, जिसमें नगरीय क्षेत्र में धान अधिकार की योजना, ग्रामीण क्षेत्र में मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना, इसके अलावा अभी मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान चला है। तो इन अभियानों में शासन और जिलाधीश महोदय के दिए गए निर्देशों के अनुरूप लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हम लोगों द्वारा कार्य करवाया जा रहा है। और चूंकि जो ये सब बोला गया है ऐसा कुछ मैंने नहीं बोला है, एक सामान्य जो कार्यालयीन मीटिंग होती है उसमें यदि कोई कार्य में व्यक्ति कार्य नहीं करता है तो थोड़ा बहुत उनको कि भाई आप समय पे आया करें, जल्दी आया करें, ये सब बोला गया है। इसके अलावा ऐसे जो शब्द इन्होंने लिखे हैं ऐसे कोई शब्दों का प्रयोग मैंने नहीं किया है। और जहाँ तक लेट आने की है उसका सवाल है कि चूँकि हमारे यहाँ लगभग 42 हल्का पटवारी हमारे तहसील में पदस्थ हैं, उनमें से केवल 4 या 5 हल्का पटवारी शासन के नियमानुसार भिकनगांव तहसील मुख्यालय पर पदस्थ है, बाकी सब हल्का पटवारी खंडवा, सनावर, गोगांव और खरगोन से डेली अप डाउन करते हैं, जैसा कि आप लोगों को भी विदित है। तो उस कारण उनको थोड़ी असुविधा आने जाने में होती है, इसलिए शायद उनको पटवारियों का स्थान पर रहना जरूरी है मैडम। हाँ, जो शासन के निर्देश है और किसी भी जो सिविल सेवा वर्गीकरण आचरण नियम है उसके अंतर्गत किसी भी जो शासकीय कर्मचारी है, जो कार्यपालिक विभाग से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो राजस्व कर्मचारी है, उनको अपने मुख्यालय पर रहना जरूरी है, या उनके सेवा नियमों का एक हिस्सा उल्लंघन है। हाँ, तो उल्लंघन के लिए आपने कुछ कार्रवाई करी अभी तक किसी पटवारी पर? उनको नोटिस भी दे चुके हैं और इस संबंध में जो वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया है, किंतु हल्का पटवारी द्वारा उस सूचना पत्र को अनदेखा किया गया। वर्तमान में भी वो नियमित रूप से अपने अपने जहाँ ऊन है, कसरावद है, खंडवा है, सनावद है और खरगोन है, गोगावा से नियमित रूप से डेली अपडाउन कर रहे हैं। मतलब मैडम बस आप आवेदन देके या कुछ नोटिस देके मतलब बस कार्रवाई को बंद कर दिया जाएगा या इसके पीछे कार्रवाई होगी? इसमें जो जहाँ तक मेरा अधिकार क्षेत्र है उसमें मैंने उनको सूचना पत्र दिया है, चेतावनी पत्र दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके कार्य व्यवहार में आचरण में कोई सुधार नहीं आया। लक्ष्य दुरुस्ती शासन की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है, अनेकों बार निर्देश देने के बावजूद हमारे यहाँ 1 महीने में तहसील भिकनगांव में हमारा 1% भी प्रगति नहीं आई है नक्शा दुरुस्ती की। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना जो है वो चूँकि ग्रामीण जनजातीय क्षेत्र है तो शासन की योजना है कि इस क्षेत्रों के लोगों को ज़्यादा लाभ मिले, लेकिन अनेकों बार प्रयास करने के बाद जैसा कि इसमें लिखा है कि हमको 5-6 बजे बैठाया जाता है, तो हम चूँकि हल्का पटवारी इस तरह से वो कार्रवाई नहीं। आज खरगोन जिला पटवारी संघ के नेतृत्व में तहसील भिकनगांव के पटवारी के विषय में ज्ञापन दिया गया है, जो कि वर्तमान में तहसीलदार महोदया निधि वर्मा जी यहाँ पदस्थ है, उनके अभद्रतापूर्वक व्यवहार और कार्यशैली से पीड़ित होकर आज मजबूरी में हमको ज्ञापन के लिए राह पकड़ना पड़ी है। समस्त भिकनगांव तहसील के पटवारी लोग पिछले विगत जब से ये पदस्थ हुए तब से आज तक हर मीटिंग और हर शासकीय कार्य में पीड़ित होकर कार्य करते आ रहे हैं, फिर भी आए दिन मीटिंगों में अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पटवारी जगत में पूरा रोष है। इनको जब तक इनके साथ आज की तारीख में काम करना असंभव हो गया है लगभग, ऐसी स्थिति को देखते हुए इनको हटाने संबंधी
अनुभागीय अधिकारी महोदय भिकन गांव के माध्यम से तहसीलदार श्रीमान अनु जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया गया। मैं सुनील पटेल, जिला कार्यकारी पटवारी संघ, जिला खरगोट अध्यक्ष। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।